हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी से पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप मीट, सब्जी या कोई ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमको आटा लगाना है, इसलिए हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें 1/2 kg मैदा डाला है। और इसके बाद आटे में 1/2 स्पून हम चीनी डालेंगे और फिर 1/2 स्पून नमक डालेंगे। चीनी और नमक की मात्रा एक बराबर होनी चाहिए। अब नमक और चीनी को मैदे में अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है और अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को हमें समेटना है। अगर आप पराठा का आटा 1 किलो मैदे से गूंथ रहे हैं तो उसमें 1 स्पून चीनी और 1 स्पून नमक जाएगा। आप इस पराठे को कबाब के साथ खा सकते हो, या मीट के साथ, या कोई ग्रेवी के साथ, या पनीर की सब्जी, या सूखी सब्जी आप किसी के साथ इसे खा सकते हो। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा हमने इकट्ठा कर लिया है। अब आटे में हम 5 स्पून ऑयल डालेंगे और अब अच्छे से डो अपना हम रेडी कर लेंगे। आटे को हमको ना ज़्यादा टाइट रखना है, ना ही ज़्यादा गीला रखना है। हमको सॉफ्ट डो लगाना है। हमको ये ध्यान रखना है, जब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अपना मैदा समेट रहे होते हैं तो हमको पानी ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए, आटा हमारा रेडी हो चुका है। एक गीले टॉवल से इसे हम ढक देंगे और अब आटे को आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ेंगे। अब आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार आटे को फिर से मिक्स कर लेते हैं और इसकी फटाफट लोइयां हम कट करके रेडी कर लेते हैं। ये पराठा बिल्कुल ऐसा टेस्ट करता है जैसे मार्केट में हमें पराठा मिलता है। प्लीज़, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब लोई हमारी रेडी हो चुकी है और अब फटाफट पराठा बेल के हम रेडी कर लेते हैं। अब हमको चकला, लोई और बेलन पे ऑयल लगा के अच्छे से बेल लेना है। अब हल्के हाथों से इसे हम बढ़ा लेंगे। अगर आप इस पराठा को हाथ से बढ़ा सकते हैं तो हाथ से बढ़ा लीजिए, बेलने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए फटाफट पराठा हम अपना सेक लेते हैं। तो हमने तवा चढ़ा दिया है, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और पराठे को हम दोनों साइड ऑयल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। पराठे को आप घी, बटर या रिफाइंड ऑयल से सेक सकते हैं। इस पराठे को हमने अफगानी पनीर के साथ सर्व किया था। अब इसी तरीके से हम फटाफट अपने सारे पराठे सेक लेंगे। अगर आपने अभी तक किचन लाइव विथ अनामिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कबाब पराठा बनाना है तो झटपट इस पराठे को बनाइए और कबाब के साथ सर्व कर दीजिए। और ये पराठा खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे रोटी की तरह भी सेक सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।